सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एरोमा 119 ड्रीम नेक बैंड के बारे में, जो कि आता है हाफ इन ईयर डिज़ाइन में। दोस्तों, अगर आपको हाफ इन ईयर डिज़ाइन में नेक बैंड चाहिए तो बहुत से कम ऑप्शंस है हमारे पास। तो सबसे पहला मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से एरोमा 119 ड्रीम ही है, क्योंकि 419 रुपये में आपको मिलता है और ये हाफ इन ईयर डिज़ाइन है। आप यहाँ पर ये देख सकते, डिज़ाइन इसे कहते हैं हाफ इन ईयर डिज़ाइन। दोस्तों, इनकी खासियत ये है कि जब हम इनको कानों में लगाते हैं तो कान जो है ब्लॉक नहीं होते, बाहर की आवाज़ भी सुनाई देती है और ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। कुछ लोगों को वो रबर वाले पसंद है, लेकिन कुछ लोगों को ये हाफ इन ईयर वाले पसंद आते हैं। तो अगर आपको हाफ इन ईयर वाले लेने हैं इस टाइप के, तो एक बेटर ऑप्शन है एरोमा 119 ड्रीम। दोस्तों, इसके वीडियोस अगर आपने देख लिए हैं बहुत से, तो आपको फिर भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि मैं इसकी एक नेगेटिव बात बताने वाला हूँ। इसकी एक कमी, जो बहुत बड़ी कमी है, वो मैं आपको बताऊँगा। आपको पता होगा इसका बैटरी बैकअप 48 घंटे का है, बहुत ज़्यादा है। जब से मैंने लिया है 4 दिन हो चुके हैं और मैंने चार्जिंग भी नहीं की है, और अभी भी 80 से 85% इसमें चार्जिंग है 4 दिन के बाद भी। तो बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन दोस्तों, इसकी एक बुराई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बुराई ये है कि इसकी रेंज मुझे बहुत कम लगी। जब मैं एक रूम में मोबाइल को रखता हूँ और उसमें म्यूज़िक प्ले होता है, और उसी रूम से दूसरे रूम में जब जाता हूँ, बीच में दीवार आती है, तो बस थोड़े ही अंतर में इसका जो साउंड है वो ब्रेक होने लगता है, आवाज़ कटने लगती है। ये मुझे बहुत बुरा लगा। इससे पहले मैंने बोट का लिया था, बोट 235 वाला, तो उसका रेंज बहुत ज़्यादा था। और उससे पहले भी मैंने एक एरोमा का लिया था, एरोमा, उसका फ़ोटो मैं यहाँ पर डाल दूंगा वो, तो उसकी रेंज मुझे थोड़ी थोड़ी ज़्यादा लगी थी। लेकिन पता नहीं क्यों इसकी रेंज मुझे कम लग रही है, या फिर ये सिर्फ मेरे ही नेक बैंड में ये प्रॉब्लम है। रेंज मतलब जितनी होनी चाहिए, जितनी नॉर्मल नेक बैंड्स की होती है, उतनी नहीं है, इसकी थोड़ी कम है। अगर आपको फिर बड़ा घर है, या फिर आपको अगर थोड़ा बहुत घूमना पड़ता है फ़ोन को कहीं पर रखकर, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आवाज़ कटने लगता है और डिसकनेक्ट भी हो जाता है थोड़े दूर जाने के बाद। तो इसकी रेंज कम लगी मुझे, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। एक नॉर्मल रूम के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हैं आराम से, लेकिन जब आप दूसरे रूम में चले जाते हैं तब आपको आवाज़ कटने लग जाता है। तो ये एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी लुक्स वगैरह सब कुछ अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, बैटरी बैकअप तो बहुत अच्छा है। तो बस अगर आपको ये रेंज की प्रॉब्लम अगर आपको नॉर्मल लगती है, अगर आपको रेंज से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इस नेक बैंड को बिल्कुल ले सकते हैं। 419 रुपये में आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाता है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप इस लिंक से खरीदोगे तो मुझे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।